नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल भोजपुरी गंगा में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मेहंदी लगा के रखना 3 फिल्म के छठवें दिन के कमाई के बारे में, यानी ये फिल्म 6 दिन में कितना कलेक्शन की है। आज इसी के बारे में आप सभी को बहुत ही बड़ी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। इससे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ मेहंदी लगा के रखना 3 फिल्म के बारे में। मेहंदी लगा के रखना 3 इस फिल्म के स्टार कास्ट में है भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, सौरभ सरा और अमरपाली दुबे। और शानदार और धमकदार फिल्म की कहानी की बात करें तो पारिवारिक कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म होने वाली है, जो कि भोजपुरी दर्शकों को फिल्म सिनेमाघर में काफी पसंद भी आ रही है। और इस फिल्म के गाने का बात करूँ तो इस फिल्म में बहुत ही अच्छे अच्छे गाने भी हैं दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के। हाँ तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ मेहंदी लगा के रखना 3 ये फिल्म छठवें दिन में कितना कलेक्शन की है। इससे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जब लॉकडाउन से पहले इस फिल्म को रिलीज किया गया था सिनेमाघर में तो फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। मगर आज आप सभी को बताने वाला हूँ, जब इस फिल्म को लॉकडाउन के बाद रिलीज किया गया तो छठवें दिन का कलेक्शन कितना है। 36 सिनेमाघर के अनुसार इस फिल्म के छठवें दिन का कलेक्शन है 80 लाख रुपए, जो कि बहुत ही अच्छा इस फिल्म ने कलेक्शन की है, क्योंकि दशहरा पूजा के छुट्टी के वजह से। हाँ तो दोस्तों, इस फिल्म को अपने नजदीकी सिनेमाघर में देखने के लिए जाइए, क्योंकि बहुत ही शानदार और दमदार फिल्म है मेहंदी लगा के रखना 3। एक बात और आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। और दोस्तों, भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।